हेलो व्यूअर्स, माइसेल श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों, तो मैं वादा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जब जब मैं न्यू वीडियो डालता रहूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा को H.C. बक ने शुरू किया था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, जो अर्जुन अवार्ड होता है वो राष्ट्र स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी सन 1974 में। अब बढ़ते दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या 5 होती है। अगर आपको इसका कलर कोड याद नहीं होता है तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो, BBRYG। इसका मतलब है दोस्तों ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ऐसे सिक्वेंस में आप याद रख सकते हो। कभी कभी कई बार एग्जाम्स में कलर कोड सिक्वेंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों पांचवे क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिक्षक को दिया जाता है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो दोस्तों, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत होती है थ्रो बॉल से। सातवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, बास्केटबॉल के जन्मदाता है नॉर्थ स्मिथ। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट की माप होती है 28x15 मीटर। ओके दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे तो जरूर लाइक करते जाइए वीडियो को। उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों के लिए और नए नए क्वेश्चंस लेके आ सकता हूँ दोस्तों। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों, तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है दोस्तों 42.195 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, सेम नंबर के जैसे ऑप्शन आपको मिलते, तो इसको याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या है मैराथन दौड़ की दूरी? 42.195 किलोमीटर। अब बढ़ते दोस्तों दसवें क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास का नियम और को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, अभ्यास का नियम उसको उपयोग और अनुपयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो दोस्तों, विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है दोस्तों? एक्स्ट्रा मोरल का क्या मीनिंग होता है दोस्तों, आप लोग एक बात ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा मोरल का मीनिंग है दोस्तों आउट ऑफ दी वॉल। आप लोग कभी कॉम्पिटिशन्स के बाहर, जब कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन खेलने जाते हो, जैसे इंटर लेवल कॉलेजेड कॉम्पिटिशन होते हैं दोस्तों, तो उसमें कैसे क्या होता है, अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं और हम लोग कॉम्पिटिशन खेलते हैं दोस्तों, तो क्या होता है एक्स्ट्रा मोरल, मीन्स आउट ऑफ दी वॉल। अब बढ़ते दोस्तों बारहवें क्वेश्चन की तरफ। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है दोस्तों? तो वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है दोस्तों 18 मीटर x 9 मीटर। अब बढ़ते दोस्तों तेरहवें क्वेश्चन की तरफ। तेरहवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी संस्थान की चार दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? तो दोस्तों, हमने जैसे ऊपर पढ़ा, जो बाहर होता है मीन्स आउट ऑफ दी वॉल एक्स्ट्रा मोरल होता है, इसमें क्या बताया दोस्तों, चार दीवारों के अंदर, मीन्स इसका सही जवाब है इंट्रामोरल। इंट्रामोरल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग स्कूल्स में भी होंगे या बीपेड किए होंगे तो आपको पता होगा हर हाउस में कंपटीशन होते हैं दोस्तों। तो इंट्रामोरल का क्या फ़ायदा होता है, उससे आपको पता चलता है नए नए टैलेंट। जैसे अगर कोई बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट छुपा होता है, तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन करा देने से इंट्रामोरल, उसमें पता चलते रहेगा आपको कि उस बच्चे में नई नई क्वालिटी क्या और नया नया टैलेंट क्या है। इंट्रामोरल के यह फायदे होते हैं दोस्तों। तो इंट्रामोरल का मीनिंग है दोस्तों विद इन दी वॉल। अब बढ़ते हैं दोस्तों 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है दोस्तों? तो बास्केटबॉल की बॉल का भार होता है दोस्तों 625 ग्राम। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं दोस्तों?
तो क्रिकेट खेल में दोस्तों तीन अंपायर होते हैं, जो कि दो अंपायर होते हैं ग्राउंड पे, उसके बाद ग्राउंड के बाहर होते हैं, जिसको हम लोग थर्ड अंपायर बोलते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। तो दोस्तों दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप होती है 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक। दोस्तों इसको हम लोग 400 मीटर स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अर्जुन अवार्ड कौन देता है दोस्तों। तो अर्जुन अवार्ड जो देते हैं वो राष्ट्रपति देते हैं दोस्तों। अब बढ़ते 18वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी क्या होती है। तो दोस्तों स्टीपल चेस दौड़ की मानक की दूरी 3000 मीटर होती है दोस्तों। ये मेंस कैटेगरी के लिए होता है, और स्टीपल चेस में भी दोस्तों एक मतलब वाटर पोल में ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के हर्डल्स होते हैं, आपको ऊपर से रन करके जाना पड़ता है। 3000 मीटर दोस्तों मेंस के लिए होता है, और 2000 मीटर दोस्तों जो होता है वो होता है वुमेन्स कैटेगरी के लिए दोस्तों। अब बढ़ते दोस्तों उनमें से 19 क्वेश्चन की तरफ, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है दोस्तों। तो अर्जुन अवार्ड दोस्तों 29 अगस्त को दिया जाता है। अगर आपको पता होगा दोस्तों इस दिन पे हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जो कि मेजर ध्यानचंद जी को प्रेरित किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको यह सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट करके जरूर आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड MCQ चाहिए या पर्टिकुलर कोई टॉपिक से रिलेटेड हो, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लाने का ट्राई करूँगा। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक यू।